विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों आदि को कोरोना काल में अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक निभाने पर क्वारंटाइन किए जाने वाले डॉक्टरों को निकटतम के प्रेम सागर होटल में सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा की अगुवाई में किया गया। अधिवक्ता तुषार डोगरा के नेतृत्व में उन्होंने वहाँ क्वारंटीन डॉक्टर मनोज चंदेल, डॉक्टर गुरमीत कौर, संतोष पाठक व अन्य स्टाफ के सदस्यों को सम्मानित किया। तुषार डोगरा ने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के कारण हर भारतवासी अपने घरों में सुरक्षित है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में ये योद्धा अपने परिवार को छोड़कर समाज की चिंता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे समाज को बढ़ चढ़कर सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों को पूरा मान सम्मान व प्रतिष्ठा देनी चाहिए। कोरोना योद्धाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के द्वारा केक भी काटा गया। इस सम्मान समारोह में डॉक्टर गुरमीत कौर ने बताया कि कोविड-19 के लिए शिवा आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए सेंटर बनाया गया था, जहां पर वे अपनी सेवा दे रहे थे और आज सभी मरीज वहां से स्वस्थ होकर जा चुके हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे अपने मुंह पर मास्क व हाथों को साबुन से जरूर धोएं। वहीं जुबानी हमला करते हुए तुषार डोगरा ने कहा कि सभी भारतीयों को चाइनीज मान का विरोध करना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा खर्चा गया पैसा चाइना की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी व्यक्तियों को कसम दिलाई कि भविष्य में चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। डीसीसी शिवा में तो हमारा 7 डेज का वहाँ पे रहा और बहुत अच्छे से हमारे टाइम जो पेशेंट्स थे वहाँ पे अभी तक सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था, तो अब हमारा यहाँ पे जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग आए यहाँ पे, हमारा उत्साहवर्धन किया यहाँ पे, और ऐसे ही हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे आगे भी। और थैंक यू सो मच मैम। महामारी के चलते किस तरह का संदेश देना? बजरंग दल से यहाँ पे मिस्टर तुषार जी आए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे आने के लिए। हमारे साथ ये डॉक्टर मनोज थे वहाँ पे टीम में, ये हमारे स्टाफ नर्स हैं और ये भी हमारे स्टाफ नर्स हैं और हमारे लैब टेक्नीशियन और बाबूजी हैं श्याम बाबूजी, ये हमारा वहाँ खाना वगैरह सब कुछ ये लेके आते थे गाड़ी से, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ ये बड़े अच्छे से इन्होंने निभाया सब कुछ। गरम गरम खाना पहुँचा। हाँ, गरम गरम। हाँ, अब हमारे सफाई कर्मचारी विनोद जी, उन्होंने हमारे बहुत अच्छे से वहाँ पे सब सफाई वगैरह का सब कुछ देखा वहाँ पे और बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। और हमारी ड्यूटी अभी यहाँ पे शिवा वाली ख़त्म हो गई है, तो अभी हम अपनी जो हमारी पुरानी ड्यूटीज हैं उन पर हम वापस जाएंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स के नाते डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और इनकी जो पूरी टीम थी उनका हम अभिनंदन कार्यक्रम हमने यहाँ रखा था, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हम सभी लोगों को सुरक्षित रखने का कार्य किया है। जिस तरह से आज देश का सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है तो सभी के परिवार सुरक्षित हैं, उसी भांति यदि ये कोरोना वॉरियर्स हम सभी के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम विश्वव्यापी प्राणघातक महामारी से आज बचे हुए हैं। इनके लिए इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनके साथ जो लोग साथ में लगे थे, चाहे वो इनके चालक हो, चाहे इनके सफाई कर्मचारी हो, उन सभी का भी मैं अभिवादन करता हूं। और आज इस समय में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से एक बात और प्रेषित करना चाहता हूँ कि आज देश स्वदेशी की तरफ जाने के मूड में है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाने के मूड में है, क्योंकि ये जो घटना, जो महामारी, ये घटना फैलाई गई है, ये भी चाइना के द्वारा फैलाई गई है। जाने अनजाने हमारे जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन रहेगा कि हम यदि विदेशी वस्तु का भी इस्तेमाल करें तो उस वस्तु का इस्तेमाल करें जो हमारे मित्र देश हैं, यानी दुश्मन देश को अपना पैसा ना दें, नहीं तो वो बॉर्डर पर हमारे सैनिक को मार रहे हैं और हम उनकी जेब भर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें दोषी माने जाएंगे। मेरा निवेदन है कि इस समय के अंदर हम सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के साथ साथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने के लिए हमें स्वदेशी अपनी वस्तुओं का ऐसा इस्तेमाल करें, जरूर सामान खरीदते समय ये देखें कि मेड इन इंडिया है, उसका प्रयोग करें।